गाइज वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो में हम हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर क्लास सिक्स्थ के इंग्लिश का सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं और मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बना दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया जाके देख लीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ अ मास्टर। जो डॉग था उसको एक मास्टर की जरूरत क्यों लगी। द डॉग वॉज सिक एंड ट्रायड टू ट्रायड ऑफ गोइंग अबाउट अलोन इन सर्च ऑफ फूड। जो डॉग था वो काफ़ी थका हुआ फील करता था और काफ़ी बीमार था वो, तो इसकी वजह से वो अकेला खाना ढूंढने पसंद नहीं करता था। एंड ही डिड नॉट फील सेफ, और वो सेफ भी पसंद नहीं करता था क्योंकि उससे भी बहुत सारे लोग थे, वो ताकतवर थे। सो ही डिसाइड टू हैव अ मास्टर, इसलिए उसने एक मास्टर के लिए, मतलब मास्टर को चूज़ करने के लिए एक डिसीजन लिया उसने। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए। हाउ डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, और वो किसको सबसे पहले अपना मास्टर चूज़ करता है। व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और वो क्यों उस मास्टर को छोड़ देता है। द डॉग फर्स्ट चूज अ वुल्फ एज हिज मास्टर, जो डॉग था वो सबसे पहले एक वुल्फ को अपना मास्टर, मतलब मास्टर घोषित करता है। बट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर, लेकिन वो क्या ढूंढता है कि जो वुल्फ है वो बियर से डर रहा है। सो ही लेफ्ट द कंपेन ऑफ वुल्फ, इसकी वजह से वो उस वुल्फ का जो, मतलब वो जो बियर होता है उसको वो मतलब वुल्फ को छोड़ के बियर के पास चला जाता है। Who did he choose next? और वो choose किसको करता है next? The next choose the bear as his master because he was stronger than wolf. वो bear को choose करता है क्योंकि bear एक wolf से ज़्यादा stronger था। Why did he serve the lion for a long time? वो तो हमारा lion था, उसको ज़्यादा देर तक क्यों serve करता है। The dog served the lion for a long time because he had no companion against him, क्योंकि जो लॉयन था उसके कंपेनियन के बराबर कोई और नहीं था जंगल में। सेकेंडली ही लेफ्ट सेफ एंड सेकुलर, और वो खुद को बहुत सेफ और सेकुलर समझता था। नो अदर वाइल्ड एनिमल डेयर टू डिस्पेंस हिम, तो और भी कोई एनिमल उसको परेशान नहीं कर सकता था। सो हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड फाइनली चूज एज मास्टर एंड वे वाई, वो आखिरी में मतलब किसको चूज करता है और क्यों चूज करता है। द डॉग फाइनली चूज अ मैन एज हिज मास्टर, जो डॉग होता है वो फाइनली एक इंसान को चूज कर लेता है। इवन द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि जो लॉयन है वो इंसानों से डरता है। सो द डॉग वॉज कन्वर्ट दैट द मैन वॉज द स्ट्रॉन्गर क्रिएचर ऑन अर्थ, और वो सोचता है कि जो मैन है वो सबसे स्ट्रॉन्गर स्ट्रक्चर क्रीचर है पूरे अर्थ में। तो ये हमारा जो चैप्टर है इसकी समरी है एकदम शॉर्ट वर्ड्स में, तो इसके आंसर आपको यहाँ पर ही नीचे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो इसको। तो ये देख सकते हैं आप, इसके आंसर भी आपको यहाँ पर ही नीचे मिल जाएंगे। यहाँ पर आंसर लिखा है, इधर से देखो, इधर फर्स्ट के अंदर हमारा आएगा, जो फर्स्ट है इधर आएगा बी हिज ओन मास्टर। रुको मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ, फर्स्ट का आंसर है ये, सेकंड का आंसर है हमारा स्ट्रॉन्गर ये वाला, उसके बाद जो हमारा थर्ड है उसका आंसर है वुल्फ, और जो हमारा फिफ्थ है उसका आंसर है द बियर, और फिर जहाँ पे ये है ये वाला, इसका आंसर है द स्ट्रॉन्गर वन, और इसका है अ लॉयन। ठीक है, तो ये सारे के मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।